जब भी मैं शादी का फैसला करूंगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। उल्टा डॉक्टर सिमरन का फर्ज बनता है कि वो अमीषा के घर वालों को समझाए कि अपनी बेटी की एम्बिशंस दबाकर वो ठीक नहीं कर रहे। हद तो ये है कि डॉक्टर सिमरन ने तुम्हें भी कन्विंस कर दिया कि तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा नहीं है। मेरा सिलेक्शन हो गया मॉडलिंग के लिए, मुझे कल बुलाया मामा। सो हैप्पी। तुम्हारा प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, तुम महान हो, डॉक्टर दलाल महान है, हम सारे के सारे घटिया लोग। जो अमीषा की बात की है मैंने तुमसे, मेरा फैसला तो नहीं है ना, ना ही मेरी राय। तो एक माँ की रिक्वेस्ट थी जो मैंने तुम्हारे सामने रख दी और तुम मुझे गलत समझ बैठे। ठीक है सिमरन, तुमने उनकी बात मान ली, मैंने तुम्हारी बात मान ली, बस बात खत्म। मैं सो रहा, मुझे बात नींद आ रही है। अभी प्लीज मुझसे बात करो। क्या बात करूं मैं? क्या बात करूं? कुछ फायदा है तुमसे बात करने का? What do you mean, कोई फायदा नहीं अभी। मेरे लिए तुम्हारे मन में इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट कब से? मैंने आज देखा अभी, तुम तो ये मान के चल रहे हो कि मैं तुम्हारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसा कब से सोचने लगे हो तुम? साफ पता चलता है कि तुम मेरी फील्ड के बारे में क्या सोचती हो और अपनी फील्ड के बारे में क्या सोचती हो। क्या जानती हो तुम मेरी फील्ड के बारे में, बताओ। हाँ, उस दिन तुमने मुझे पूछा था ना कि अवार्ड फंक्शन में कौन कौन आया था, मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। अब बताता क्या तुम्हें, तुम जानती नहीं हो मेरी फील्ड के बारे में कुछ भी। कभी तुमने इंटरेस्ट लिया मेरी फील्ड में? इंटरेस्ट तो है अभी, हाँ इतना जरूर है कि मैं कभी तुम्हारे स्टूडियो में आकर बैठी नहीं हूँ। मैं करती भी क्या, शादी के बाद हॉस्पिटल में इतना बिजी रही, जितना थोड़ा वक्त मिला वो घर के लिए वक्त निकाला मैंने। अभी अगर मैं एक हाउसवाइफ होती तो इंटरेस्ट देती ना। यही बात है, तुमने कभी कोशिश की नहीं जानने की। मैं तुम्हारे काम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे काम के बारे में, लेकिन तुम क्या जानती हो मेरे काम के बारे में? तुम्हें तो यही लगता होगा कि मैं अपने गले में कैमरा लटका के क्लिक 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 करता फिरता हूँ हर जगह पर। दैट्स इट। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे लिए उस वक्त इतना ही काफी होता था कि तुम स्टूडियो जाते हो और शूटिंग करते हो। मैंने कभी ये पूछा नहीं कि मॉडल कौन है, टेक्निकलिटीज क्या है, किसकी शूटिंग कर रहे हो। मगर अभी आई प्रॉमिस यू, आज से मैं तुम्हारे काम में इंटरेस्ट लूंगी। जितनी टेक्निकलिटीज है सारी डिटेल्स में बताओगे तुम मुझे। बस इतना ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। किरण को जितना सिखाते हो ना उतना ही मुझे सिखाना होगा तुम्हें। ओह गॉड, बस ये समझ लो कि आज से तुम्हें एक नई असिस्टेंट ने ज्वाइन कर लिया जिसे कुछ भी नहीं आता। प्यार करना तुम्हें नहीं सिखाया ना, अब ये भी सही। मेरे लाड प्यार के कारण अमीषा मेरी सुनती ही नहीं। तुम सही कह रही हो, उसके सामने मैं नरम पड़ जाती हूँ। अब मैं उसे सख्ती से मॉडलिंग के लिए मना कर दूंगी, यही एक रास्ता बचा है। मेरी डांट सुनेगी ना तो मर्जी धरी रह जाएगी उसकी। नहीं, अब कोई सख्ती काम नहीं करने वाली है। अब क्यों रुकेगी, अब तो उसे मॉडलिंग का काम मिल भी गया है। अरे काम मिला है, शुरू तो नहीं हुआ ना। बस यही आखिरी कोशिश कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। रोक टोक का असर वक्त रहते होता है, अब बहुत देर हो चुकी है। देखा नहीं कैसे सुबह से सारे दोस्तों के घर भागती फिर रही है, वो कितनी खुश है वो। अब रोकना आसान नहीं, और अगर आपकी डांट खाकर रुक भी गई तो सारी जिंदगी आपसे नफरत करती रहेगी। एक छोटा सा काम उसकी मर्जी का नहीं होता तो सारे घर को सर पर उठा लेती है, अब तो बवाल मचा देगी।
सब कुछ उसकी मर्जी से तो हो नहीं सकता, हमारी भी तो कुछ उम्मीदें हैं। इस तरह से तो हम उसे खुदगर्ज बना देंगे। माँ की ममता के सामने झुक नहीं सकती क्या? आज आप उसे रोक लेंगी तो कल पछताएंगी। जाने दीजिए, शायद उसके नसीब में यही लिखा है, उसका सपना ऐसे ही पूरा होना है। लेकिन तुम्हें उसका ये काम पसंद नहीं है और मैं भी उसकी जिद के आगे झुक रही हूँ। आजकल के जमाने में जो होता है वही तो कर रही है वो। और शुक्र कीजिए कि डॉक्टर सिमरन के पति उसके साथ है उसकी मदद के लिए। कम से कम अपने लोगों की नजर के सामने तो है वो, अनजान या गलत लोगों के साथ तो नहीं काम कर रही ना वो। जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है, कहीं अमीषा मेरे हाथ से ना निकल जाए। आप धीरज रखिए, मैं हूं ना, अगर उसे जबरदस्ती ही रोकना है तो कभी भी रोक सकते हैं। आज उसे काम पे जाने दीजिए। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट। अरे देखो तो शाम को कौन आ रहा है, जल्दी आओ। अरे आ रही हूँ भाई, किसका फोन है? लो खुद ही बात करो। हेलो। हाय मम्मी। अरे आनंदी बेटा, कैसी हो? आज डिनर हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं फिर से। अरे पहले क्यों नहीं बताया, अचानक से अब बता रही है? टिकट कंफर्म होते ही बता रही हूँ। हमने भी अभी डिसाइड किया है ना लास्ट मिनट पे। विवेक बहुत मिस कर रहा है इंडिया को। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात ध्यान रखना, अब तुम लोग को जल्दी नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ। मम्मी भाभी कैसी है? अच्छी होगी, कौन सा हमें फोन करके बताती है। परवाही कहाँ है उसे हमारी? मम्मी मैं फोन रखती हूँ। ओके सुन, अभी आ जाएगा तुम लोग को एयरपोर्ट लेने, गाड़ी खरीद ली है अब उसने अपनी। और देख समर का ध्यान रखना। जी। बाय आंटी, बाय अंकल। अरे किरण, एक बहुत अच्छी खबर है, मेरी बेटी आनंदी आ रही है दुबई से। तुम दोनों की खूब जमेगी, उसका एक साल का प्यारा सा बेटा भी है। उनके बारे में अक्सर सुना है आपसे, अब मिलना भी हो जाएगा। हाँ, मेरे घर में तो रौनक आ जाएगी। बातें बाद में कर लेना, पहले उनके रहने का इंतजाम तो सोच लो। आप परेशान ना हो, मैं कहीं और शिफ्ट कर लूंगी। मेरी वजह से घर में जगह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और छोटा बच्चा भी तो है उनके साथ। अब आज के आज कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी आंटी, इतना बड़ा शहर है, स्टूडियो भी जा सकती हूँ और वहीं से अकोमोडेशन ढूंढ लूंगी। बेटा अभिमन्यु से बात कर लेना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ चली जाएगी अचानक वो? हम लोग एडजस्ट कर लेंगे आपस में, और वैसे तो आनंदी का कमरा भी खाली पड़ा है, पहले भी तो सब साथ ही रहते थे, कभी कोई जगह की कमी नहीं हुई। नहीं आंटी, उन लोगों के आने के बाद शायद मेरा आपकी फैमिली के साथ रहना ठीक नहीं लगेगा। किरण अब तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, आगे से ऐसी बात कभी मत कहना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे तुम यहाँ रहकर तो देखो, सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है आंटी, अब मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अच्छा सुनो, तुम मार्केट जा रही हो ना, तो मेरे लिए 2 किलो टमाटर ले आना, शाम को राजमा बना रही हूँ। एक्चुअली आंटी मैं सीधा स्टूडियो जा रही हूँ। अरे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनसे मंगा लूंगी। और हाँ किरण, तुम स्टूडियो में अभी से मिलोगी ना तो उसे एक बात याद से बता देना कि आज शाम को आनंदी और विवेक दुबई से आ रहे हैं, वो उन्हें लेने एयरपोर्ट चला जाए। ठीक है। अब तुम उसे बता दोगी ना तो मुझे सुबह सुबह अभी के घर फोन नहीं करना पड़ेगा। वहां तो वो सिमरन बैठी होगी ना उसके सर पे, कहीं वो भी ना चली जाए एयरपोर्ट उसके साथ आनंदी को लेने के लिए। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्टूडियो पहुंचते ही अभी से बात कर लूंगी। ओके बाय आंटी। बाय। बाय अंकल। देखो मैं समझता हूँ आनंदी के यहाँ रहते किरण को शिफ्ट कर लेना चाहिए, चाहे कुछ दिनों बाद ही सही। किरण यहीं रहेगी, वो सिर्फ अभी की दोस्त ही नहीं हमारी किराएदार भी है। जो यहाँ रहने का हकदार है उसे तो रहने नहीं दिया। सिमरन अभिमन्यु की बीवी है, उसकी दोस्त नहीं है। क्यों अपनी बहू का अपमान करके किरण को सर पे चढ़ाती है, जिसने आज तक तुम्हारे पाँव नहीं छुए, जो हाय हेलो करके सीधी चली जाती है और तुम खुद ही नहीं समझती। लो। अरे यार क्या ढूंढ रही हो? अरे ड्राई फ्रूट्स भाभी के लिए। सब पैक कर दिया बाबा, कुछ छूटने का सवाल नहीं उठता, सारा घर पैक कर दिया। क्या कहा मम्मी ने?
मैंने मम्मी को नहीं बताया कि हम परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रही थी कि इस बार मैं तुम्हें जल्दी वापस जाने नहीं दूंगी, फिर भी मैं चुप रही। अच्छा किया, उनको इंडिया पहुंचकर ही समझाएंगे कि हम लोग वापस इंडिया क्यों लौट आए। एक तो फोन पर समझाने की कोशिश की होती तो समझ नहीं पाती, ऊपर से घबरा गई होती कि मेरी जॉब के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे भी ये बातें हमें बहुत संभल कर करनी पड़ेंगी। जब से पापा को हार्ट अटैक हुआ है हम उन्हें कोई टेंशन नहीं दे सकते। तुम्हारी जॉब छूटने की खबर सुनकर वो बहुत परेशान हो जाएंगे विवेक। अरे बाबा, जॉब छूटने की खबर तब बताएंगे ना जब मैं बॉम्बे ऑयल कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। उन लोगों ने वहां जो पोस्ट ऑफर की है वो यहां से अच्छी है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं अगले महीने से ज्वाइन कर रहा हूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि समर को उसके नाना नानी मिल जाएंगे। यहां पर जो वॉर की वजह से आए दिन टेंशन में इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, वहां अपने देश में सुकून से जिएंगे। और यहां पर मिडिल ईस्ट में काम करने का मन नहीं है मेरा। अपने वतन में एक नई शुरुआत करेंगे। पैसे थोड़े कम मिलेंगे लेकिन मन की शांति तो मिलेगी। वहां मैं भी तो जॉब कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं समर को मम्मी के पास छोड़ दूंगी और नौकरी कर लूंगी। यही प्लानिंग चल रही है ना तुम्हारी? वाई नॉट। हाँ हाँ, वाई नॉट, पहले इंडिया पहुंच तो जाए। अब चलो प्लानिंग छोड़ो, पैकिंग में हेल्प करो। मामा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए क्यों चाहिए? आज शूट का पहला दिन है मामा, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदने, स्पेशली डिजाइनर वेयर ड्रेसेस, और फिर उसके बाद कुछ मेकअप का सामान भी खरीदना है। लेकिन मेकअप का भरा पूरा किट है तो सही तेरे पास? सुलोचना, अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती हो ना तो बीच में मत बोला करो। पर शूटिंग का खर्चा तुम क्यों उठाओगी? मामा, शूटिंग का खर्चा तो वही लोग करेंगे। यह पैसे मुझे अपने लिए चाहिए। I want to have my own wardrobe, you know? और वो जो ordinary सा makeup kit है ना, अब वो नहीं चलेगा। मैं एक model हूँ, लोग मुझे देखकर ही impress होने चाहिए। ये कैसी modeling है अमीषा? सब कुछ दिखावे के लिए करो? बेटा मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। मामा, आपने फिर से वही सारी बातें शुरू कर दी। मैं तो समझ रही थी कि हम दोनों के बीच में जो differences थे, वो कब के खत्म हो चुके। आपने खुद जाकर अभी अंकल से, अभिमन्यु से बात की है मेरे लिए, और अब आप फिर से वही सारी बातें कर रही हैं, और वो भी मेरी शूटिंग के दिन। अमीषा, मैंने हमेशा तेरी बात मानी है बेटा, हर जिद को पूरा किया है। मैं चाहूं या ना चाहूं पर एक माँ होके तुम्हारे सामने झुकती चली आई। बात ये नहीं है कि मुझे इसका दुख है, बात यह है कि तुम्हारी एक खुशी से मुझे दोहरी खुशी मिलती है। आज तुम मेरी एक बात मान लो। सोचो कि ये मेरी जिद है एक माँ की। क्या? मॉडलिंग का ख्याल दिल से निकाल दो बेटा। ये नहीं हो सकता मामा। आज जब मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे, आप मुझसे कह रही है कि अपना इरादा बदल दो, अपनी मंजिल से लौट जाओ। मैं जा रही हूँ मामा। अरे सुन ना, पैसे तो लेती जा। क्या सच? चल। डॉक्टर सिमरन कहाँ है? डॉक्टर सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं आएंगी। मौके पर वो नहीं आएंगी, लेकिन मेरा केस तो वही हैंडल कर रही थी। देखिए, उनकी जगह डॉक्टर दलाल आपको अटेंड करेंगी। आप अपने रूम में जाइए, इन्हें लेकर जाओ। आप चलिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। हमें नहीं दिखाना है किसी और डॉक्टर को। कहाँ डॉक्टर सिमरन? आप नंबर दीजिए, हम अभी फोन पर बात करेंगे उनसे। सॉरी सर, पर हमें इस तरह की परमिशन नहीं है। अजीब डॉक्टर है यहाँ के। पेशेंट का दर्द शुरू हो गया है और जिस डॉक्टर के विश्वास पर अपनी जान जोखिम में डालकर ये माँ बनने जा रही है, वो डॉक्टर ही गायब है यहाँ से। क्या हुआ? डॉक्टर सिमरन की पेशेंट है, इन्हें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुके हैं। ये डॉक्टर सिमरन को अभी बुलाने की बात कर रहे हैं। आप मेरे कैबिन में चलिए, वहाँ बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर सिमरन, उनसे भी बात कर लेंगे, प्लीज घबराइए नहीं। नर्स, यू जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डॉक्टर, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
शुरू से ही मेरे केस को डॉक्टर सिमरन ने हैंडल किया है। डॉक्टर सिमरन ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं। सिमरन ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में ब्रीफ कर दिया है। तुम घबराओ नहीं, अब तो फाइनल स्टेज में आ गई। थोड़ी ही देर में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दूंगी। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, बल्कि आज सुबह से ही मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जिस बच्चे की माँ बनने के लिए मैंने इतनी तकलीफें उठाई, लगता है मैं उसे जन्म नहीं दे पाऊंगी। देखिए ना मेरे हाथ कितना कांप रहे हैं। मुझे मुझे कुछ हो रहा है डॉक्टर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सारे नॉर्मल केसेस में भी लास्ट मिनट में औरतें कभी कभी इतनी डर जाती हैं कि जैसे उन्हें कुछ हो जाएगा। देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा चेकअप कर रही हूँ। नहीं नहीं, अगर डॉक्टर सिमरन नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। मैं सच में मर जाऊंगी डॉक्टर। गीता मल्होत्रा बहुत घबरा गई है, शी इज पैनिकिंग, और वो चाहती है कि आप ही उनकी डिलीवरी करवाएं। व्हाट इज द कंडीशन? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्शंस हैव स्टार्टेड। अच्छा, मैं आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, डॉक्टर दलाल को भी इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे डॉक्टर दलाल ने कहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं आए। शी इज अटेंडिंग हर। आई अंडरस्टैंड, बट गीता मल्होत्रा बहुत स्पेशल पेशेंट है, इसलिए मैं वहाँ आ रही हूँ। ओह माय गॉड, अरे यार सुन, ये लाइट थोड़ा पीछे ले, ठीक है? और उसको लो कर देना। रिजवान मेकअप, हाँ ठीक है, थोड़ा टोन डाउन ही रखना। पिंपल क्रीम का ऐड है तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ, है थोड़ा नेचुरल स्किन लगनी चाहिए। बाकी हो गया तुम्हारा सब कुछ? आउट 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 आउट। हेलो दादा, सर्विस पे जाओ। अच्छा लिसन नाउ, किरण भूल तो नहीं की कि आज हमारा शूट है? नहीं पता नहीं, उसको एक घंटा हो गया घर से निकले हुए, उसका मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन तो उठा नहीं रही, आउट ऑफ रीच है। एक्चुअली मैं उसको सरप्राइज देने वाला था, ये कैंपेन वही करने वाली थी, नेवर माइंड। ओके, यू नो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आप मेरा पहला एड शूट कर रहे हैं। शुरू करें? ओके। अच्छा सुनो, आई विल जस्ट गिव यू सम वाइल्ड क्लिप्स, ठीक है? तो जस्ट फील फ्री इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। या हेलो, कहां हो तुम? ब्यूटी पार्लर में जरा देर हो गई। ब्यूटी पार्लर में देर हो गई तुम्हें? अच्छा, ओ मैंने सोचा था यहां जब तक सब रेडी होगा, सेट होगा, मैं आ जाऊंगी। वाह, यहाँ पे कॉस्ट्यूम कैमरा सब कुछ रेडी हो जाए उसके बाद तुम पहुंचना, मैं एक दूसरा असिस्टेंट रख लेता हूँ अपने लिए। मैं तुम्हारी दूसरी असिस्टेंट भी हूँ और तीसरी भी, तो बस हुक्म करो। आप क्या हुक्म करो तुम्हें, खाक हुक्म करूँ? सारा प्लान तो तुमने चौपट कर दिया। मुझे लगा था ये वाला कैंपेन जो है तुम इंडिपेंडेंटली हैंडल करोगी, बट नेवर माइंड, मैं शूट कर लेता हूँ। तुम तो बहुत बड़ी मॉडल हो चुकी हो ना। रियली? तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं 8 बजे आ जाती है। ओ रियली? मतलब मेरे काम के लिए आप 12 बजे भगवान का नाम लेकर आएंगे, अपने लिए 8 बजे आ जाती हैं आप? बात करती हो। अब तुम जाओ बाहर घूम कर आओ, कोई फिल्म देख कर आओ, मैं ये एड शूट करूंगी। तुम कैमरे को हाथ मत लगाना। आउट। ओके गो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डू वेल। ग्रेट, अब ये हमारा पहला एड कैंपेन होगा एंड यू आर लुकिंग परफेक्ट। थैंक यू। और वैसे भी तुम मेरी ही चॉइस हो इस एड के लिए, सो डोंट लेट मी डाउन। नॉट एट ऑल। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्विस लाइट्स ऑफ। चलो घबराओ नहीं, सब नॉर्मल है। और डॉक्टर प्लीज़ आप डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर सिमरन को बुला लीजिएगा। उन्हें भी बता दिया आती होंगी, और अगर नहीं आई तो तब भी सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर सिमरन आप आ गई, थैंक गॉड। आपको यहाँ नहीं देखकर मैं बहुत डर गई थी। डरने वाली क्या बात है, शी इज माई डॉक्टर टू, ये मेरी भी डिलीवरी करेंगी। यू आर इन सेफ हैंड्स। जब से एडमिट हुई है तब तक की रिपोर्ट है। गीता तुम्हें भी जल्दी जल्दी दर्द उठेगा, ठीक है? ऐसे में बस गहरी सांसें लो। यार दर्द से घबराना नहीं, गहरी सांसें लो। शी इज रेडी।
सो हो गया शूट खत्म? कब का हो गया? मेरा सारा काम फटाफट होता है। हाँ, इंपेशेंट तो तुम हुई हो, हर काम की जल्दी रहती है तुमको। इंपेशेंट मैं हूँ या तुम? तुम्हारा ही तो असर है। Good, 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 good. 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 Good.